सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक एजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे कीबोर्ड और माउस को यूज़ करके पीसी जैसे गेम्स, मतलब कंप्यूटर जैसे गेम्स आपके मोबाइल में कैसे खेल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक मोबाइल ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ोन ले लिया है, तो ये मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कीबोर्ड ले लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये वाला कीबोर्ड ले लिया है, तो वायर्ड कीबोर्ड है आप देख सकते हैं। तो ये कीबोर्ड मैंने ले लिया है, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक माउस लिया है जो कि वायरलेस माउस है। तो मेरे पास वायरलेस माउस था तो इसके लिए मैं यही माउस यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला माउस है मेरे पास। आप चाहो तो दोनों भी वायरलेस यूज़ कर सकते हैं, मतलब कीबोर्ड और माउस दोनों वायरलेस यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये भी मैं साइड में रख देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक चाहिए ओटीजी, तो ये वाला ओटीजी आपको चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का। तो ये ओटीजी के बाद आपको एक चाहिए यूएसबी हब, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। तो कुछ इस टाइप का आपको यूएसबी हब ले लेना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको देखने मिल जाता है, तो ये भी आपको ले लेना। इसके बाद बड़े छोटे मोटे प्रोडक्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्टैंड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये स्टैंड अगर आपको मिला तो यार बाय कर लेना, 10 रुपये का मैंने कुछ परचेस कर लिया था इसको। तो एक काम की चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा क्या करेगा। और यहाँ पर एक है ये माउस पैड, तो आप देख सकते हैं ये वाला। तो माउस पैड क्यों यहाँ पर लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर माउस काफ़ी अच्छे से वर्क करना चाहिए, तो यहाँ पर इसके लिए माउस पैड ले लिया। तो माउस यहाँ पर रख देता हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊँगा आगे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मोबाइल ऑन कर लेना है और प्ले स्टोर में जाना है, और जो आपका मतलब गेम आपको खेलना है वो डाउनलोड कर लेना सबसे पहले। तो मतलब इंस्टॉल रहना चाहिए इस फ़ोन में। और उसके बाद आपको सर्च करना है ऑक्टोबस, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है और अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो जो गेम आपने इंस्टॉल किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं माई गेम्स, तो यहाँ पर मैंने फ्री फायर इंस्टॉल करके रखा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी इसको यहाँ पर ओपन नहीं करना है आपको, अभी आपको कनेक्शन कर लेना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यूएसबी हब है यहाँ पर आपको कीबोर्ड कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर वायरलेस माउस लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लॉजिटेक का यहाँ पर जो यूएसबी है वो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वायरलेस कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका वायर वाला है तो सेम मतलब ऐसे ही एक प्लग आएगा, आप यहाँ पर कनेक्ट कर देना। तो अभी ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ओटीजी ले लेना है, ओटीजी यहाँ पर आपको कनेक्ट कर लेना है। तो ये भी कुछ इस टाइप आपको कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो कुछ इस टाइप, तो यहाँ पर अभी ज़्यादा कचरा हो गया है तो मैं क्या करूँगा, ये वायर है ना नीचे छोड़ देता हूँ कुछ इस टाइप, और यूएसबी हब भी यहाँ पर मैं नीचे छोड़ देता हूँ यहाँ पर, और डायरेक्ट जो फ़ोन है वो कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हो गया फ़ोन कनेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्री फायर जो मतलब जो आपका गेम है वो ओपन कर लेना, आपको अलाउ पे प्रेस कर देना है। और यहाँ पर एक परमिशन मांगेगा, तो डिस्प्ले पॉपअप विंडो है इसको एनेबल कर देना है, मतलब अलाउ कर देना है। फिर बैक आ जाना है और यहाँ पर फ्री फायर के ऊपर क्लिक कर देना, मतलब जो आपका गेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू प्ले विथ ऑक्टोपस, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं लॉन्चिंग एप्लीकेशन, तो ये कुछ दिखाएगा यहाँ पर, प्ले सर्विस के साथ कनेक्ट करो ये वो, आपको स्किप कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है राइट क्लिक टू शूटिंग मोड, तो ओके कर देना है। और यहाँ पर जो गेम है वो चालू हो गया, तो ये कंफर्म कर देना है आपको, अलाउ अलाउ, तो गेम चालू हो गया। तो ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्टैंड बेसिकली मतलब आप ऐसा मतलब एक प्रोफेशनल लुक आपको देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त दिखता है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया, और ये जो वायर है वो सेटअप कर देता हूँ। तो कुछ इस टाइप का लुक आपको देखने मिल जाएगा। और ये वो गया हमारा कीबोर्ड, ये माउस। तो माउस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्सर है वो आ गया स्क्रीन पर, तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम कम कर देता हूँ और यहाँ पर गेस्ट के ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ। माउस से भी कर सकते हैं बट थोड़ा टाइम जाएगा, इसके लिए मैंने डायरेक्ट सिलेक्ट कर दिया। और कीबोर्ड में यहाँ पर पावर आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं माउस में भी आया रहेगा बट यहाँ पर शो नहीं करेगा, तो आप देख सकते हैं आ गया यहाँ पर भी। तो यहाँ पर राइट क्लिक, तो अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप मतलब कुछ इस टाइप गेम खेल सकते हैं।
और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ अभी। तो एक मैच खेल लेते हैं, क्लासिक वाला मैच है। जो कीबोर्ड और माउस है ना वो 500 के अंदर मिल जाता है लोकल मार्केट में, मतलब मैं कॉम्बो की बात कर रहा हूँ, तो आप परचेस कर सकते हैं। आपको ये सभी प्रोडक्ट की लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सिंपली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा गेम लोड हो गया है, और यहाँ पर मैं W प्रेस करूँगा तो ये आगे जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। S प्रेस करूँगा तो ये पीछे आएगा, और A यहाँ पर लेफ्ट, और D यहाँ पर प्रेस करूँगा तो राइट जाएगा, आप देख सकते हैं। और जैसे मैं स्पेस क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जंप करेगा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कर्सर जो है वो कुछ इस टाइप है, आपको मूवमेंट देखने मिल जाएगी मतलब माउस से। तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है यार, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्पेस दबाऊँगा हम उतर गए और आगे जाते हैं, अभी देखते हैं यहाँ पर गन वगैरह मिलती है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये क्या है, गन तो मिल गई। ओ भाई एकदम पीसी वाली फीलिंग आ रही है, मतलब मुझे क्या ही बताओ। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना, आपको मतलब मजा आएगा। और आप ये बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप भागते जाओगे, आप देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप आपको देखने मिल जाएगा। तो आप शिफ्ट दबाओगे तो यहाँ पर स्कोप इन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सही लगा मुझे। और मैं आपको बता दूँ, आपको है ना एक काम कर लेना है, यहाँ पर जो सेंसिविटी है ना कुछ ज़्यादा ही है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग में, और आप देख सकते हैं जनरल है, तो ये थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। कुछ ज़्यादा है मतलब यहाँ पर सेंसिविटी हाई है, तो इसके वजह से खेलने नहीं जम रहा है मुझे। तो आप देख सकते हैं अभी कंट्रोल में आ गया, तो स्पेस दबाते। कोई तो मारा, हो भाई मार दिया एक बंदे को। अरे भाई क्या है ये, क्या था ये तो प्रो प्लेयर निकल गया। तो फ्रेंड्स आप कुछ इस टाइप पीसी जैसे गेम मोबाइल में खेल सकते हैं कीबोर्ड और माउस के ज़रिए, तो आप देख सकते हैं। तो ये बंदे ने मार दिया मुझे यार, क्या बोलूँ एकदम प्रो प्लेयर लग रहा है ये। इसके साथ मतलब ये क्या है, डॉग भी है। तो बंदा डायरेक्ट आके मार दिया यार, एकदम खतरनाक वाला मार दिया। तो फ्रेंड्स यही था कुछ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।